नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी कैंपस खारघर में आयोजित ग्रेजुएशन शो 2022 देखने लायक रहा। फाइनल ईयर के 268 छात्रों ने यहाँ अपने डिजाइन किए हुए वस्त्रों की प्रदर्शनी लगाई, जो सराहनीय रही। इस अवसर पर वस्त्र मंत्रालय के सचिव डॉक्टर उपेंद्र प्रसाद सिंह ने उद्घाटन करते हुए फैशन और डिजाइन के छात्रों की पेशकश को शानदार बताया। देखिए रिपोर्ट। खारघर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन और टेक्नोलॉजी यानी निफ्ट कैंपस में रीइन्वेंशन ग्रेजुएशन शोकेस 2022 देखने लायक रहा। यहां 268 छात्रों ने फैशन डिजाइनिंग, रेडी गारमेंट और उससे जुड़े प्रोडक्ट को शोकेस किया। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय के सचिव उपेंद्र प्रसाद सिंह ने आज रीइन्वेंशन ग्रेजुएशन शोकेस का उद्घाटन करते हुए छात्रों द्वारा पेश की गई अनूठी वस्त्र डिजाइन और फैशन अपारेल की सराहना की। टेक्सटाइल सचिव ने कहा कि कैंपस से निकलने वाले इन छात्रों को अब फैशन इंडस्ट्रीज में कदम रखना है, जो ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। हालांकि उन्होंने यह भी विश्वास जताया कि निफ्ट से सीखे हुए बच्चे अपने हुनर के जरिए वहां भी सफलता पाएंगे। कि हमारा जो निफ्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडिया का बेस्ट फैशन और डिजाइन के का इंस्टीट्यूट है। इनफैक्ट वर्ल्ड में अगर किसी की रैंकिंग होती है तो जनरली हमारा इंस्टीट्यूट निफ्ट जो है वो वर्ल्ड में जनरली टॉप 10 के अंदर आता है। और आज जो यहाँ पे हो रहा है, जैसा कि आप जानते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है। अगर देखा जाए तो निफ्ट के कैलेंडर में जो इवेंट्स होते हैं उसमें दो इवेंट खास होते हैं। एक होता है कन्वोकेशन का इवेंट, दीक्षांत समारोह, जहाँ बच्चे डिग्री लेते हैं, और आज का जो ये ग्रेजुएशन शो है। जैसा कि आपको पता ही है कि निफ्ट में इस साल करीब 286 बच्चे पास आउट कर रहे हैं, एक्चुअली जो यहाँ के अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं। प्रायः अधिकांश स्टूडेंट किसी न किसी इंडस्ट्री के साथ, किसी न किसी कंपनी के साथ काम करते हैं, कुछ बच्चे खुद भी काम करते हैं। तो इन्होंने जो पिछले एक सेमेस्टर का की जो मेहनत की और उसके बेसिस पे जो प्रोडक्ट डेवलप हुआ, उसका आज ये डिस्प्ले है। तो ये काफ़ी अच्छा है, बच्चों को भी इनकरेजमेंट मिलता है कि भाई ये तो ऐसा नहीं है कि लाइफ इज़ अ लर्निंग प्रोसेस। आपने जो यहाँ सीखा, एक तो ये फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन है। अभी वो अपने रियल वर्ल्ड में जा रहे हैं तो रियल वर्ल्ड के चैलेंजेस जो हैं वो अलग होते हैं, तो उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए, और हमेशा लाइफ इज़ अ लर्निंग प्रोसेस, नई नई चीज़ सीखते रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, नए नए फाइबर आ रहे हैं, नया नया फैशन आ रहा है। आजकल तो ट्रेंड फोरकास्टिंग भी होती है कि 2 साल बाद 4 साल बाद क्या होने वाला है, तो अपने को अप टू डेट रखें और अच्छा करें। निफ्ट छात्रों के इस वस्त्र प्रदर्शनी का हर कोई कायल रहा। यहाँ फैशन आइकॉन मेहर कैस्टलिनो, फिल्म एक्टर गार्गी पटेल, ज्वाइंट सेक्रेटरी प्राजक्ता वर्मा, टेक्सटाइल कमिश्नर रूप राशि, कमेटी सदस्य अजीत चौहान और रिलायंस ब्रांड के उपाध्यक्ष मनु शर्मा एवं निफ्ट मुंबई के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर पवन गोदियावाला समेत कई हस्तियों ने भी ग्रेजुएशन शो 2022 को देखा और उसकी सराहना की। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। निफ्ट इज एन आउटस्टैंडिंग इंस्टीट्यूशन। It's a showcase to the world as to what India is and what India is going to be and what our future generations are going to be. At one time, we were always aping the West, but I know after this talent pool that India has, the West is going to be aping us. They are going to come to us for all their requirements, for all their... the market is going to be India, yes. It's not only in the terms of sellers, but even buyers. itna bada pool hai of talent ke there's nothing more to say, absolutely. The children are wonderful. And if in 2 years of internet learning, when they were doing online studies, if they could produce so much, so if they were attending classes and if they had to, produce, then it would be so much more, definitely. But then that does not take away from their talent in any way. It's ultimate, that's all. सीखने की कोई सीमा नहीं होती, हर दिन एक नया दिन है, और हमें हमारे सब फैकल्टीज ओपन रखनी है कि हम कितना अब्जॉर्ब कर पाए, हम कितना आगे बढ़ पाए, है ना। इसको लिमिट मत करिए, बस आगे बढ़ते जाइए। इस अवसर पर रीइन्वेंशन ग्रेजुएशन शोकेस में हिस्सा लेने वाले छात्रों ने क्या कुछ कहा, वह भी सुन लीजिए।
दो टके, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि दो टके ऐसा ब्रांड है जिनको बहुत ऑफ बीट और बहुत ही गंदी चीज़ें पसंद आ सकती है, गंदी इन द सेंस गंदी जिसमें वो अच्छा ही ढूंढे। तो मेरा इंस्पिरेशन वही था कि स्ट्रीट्स पे घूम के जो अच्छा लगे उसका फ़ोटो खींचना, थोड़ा कुछ वियर्ड लगे, अतरंगी लगे, चटपटा लगे उसका फ़ोटो खींच के उससे एलिमेंट निकाल के वो सारा इंस्पिरेशन लिया था। उससे फिर हमने प्रिंट्स डेवलप किए थे और प्रिंट्स गारमेंट में बाद में डेवलप हुए। सो दो टके इज़ अ सस्टेनेबल ब्रांड। तो फिर ये होता है कि मेड इन इंडिया वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो मेड इन इंडिया लोग बोलते हैं बट बहुत होता है कि कुछ अलग करेंगे, इंडिया के बाहर जैसा कॉपी करेंगे बट मेड इन इंडिया, बट हमारा थोड़ा अलग है। लाइक हम इंडिया लाइक स्टे कनेक्टेड टू आर रूट्स, वैसे हम इंस्पिरेशन लेके लाइक हिंदी वर्माला से इंस्पिरेशन लेके या हुआ बहुत ऐसे गुजराती फॉन्ट से इंस्पिरेशन लेके या चिप्स का पैकेट है उस पर जो टाइपोग्राफी होता है उससे इंस्पिरेशन लेके हम ये प्रिंट्स बनाते, तो बहुत मेड इन इंडिया वाला जो फील है वो हमारे कपड़ों में दिखेगा, बहुत देसी अंदाज जो होता है वो हमारे कपड़ों में दिखेगा। सो दैट इज़ वॉट दो टके इज़ ऑल अबाउट फॉर श्योर, बिकॉज आजकल हमारे जैसे यंगस्टर्स ऐसा कुछ पहनना पसंद करते हैं, बहुत ऐसे अतरंगी हो, बहुत अलग हो, जो सब पे ऊपर ना दिखे। तो फॉर श्योर इसका डिमांड बहुत बढ़ रहा है कि प्रिंट्स आजकल बहुत आ रहे हैं, प्रिंट्स में हमें वेरिएशंस मिल सकते हैं। तो और ऐसे अतरंगी कपड़े आजकल लाइक हमारा फैशन कॉलेज है, बट फैशन कॉलेज के अलावा भी अभी इंडस्ट्री में 4 महीना काम करके पता चला है कि बहुत सारे लोग ऐसे खरीदते हैं, तो इसका रीच बहुत है। अभी आने वाले दिनों में लोग ऐसे ही कपड़े प्रेफर करेंगे, थोड़े लाइट वेट और कम्फर्टेबल। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।